सब सामग्री देख के आप समझ रहे हो जो आज क्या बनने वाला है। नमस्कार, सिप्रागर होममेड फूड में आप सभी को स्वागत है। अभी 25 दिसंबर आने वाले हैं, तो 25 दिसंबर क्यों मनाया जाता है सभी को तो मालूम है, फिर भी हम बता रहे हैं क्रिसमस है उस दिन। तो उस दिन जो केक खाने का बहुत ही महत्व है, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, बाहर से केक मंगाते हैं, क्यों ना एक बार घर में भी ट्राई किया जाए। तो ये भी बहुत ही ईजी है बनाने में, कोई डिफिकल्ट नहीं है। और हम आज बनाएंगे बेगर अंडे वाला केक, हम बनाएंगे ऑरेंज टूटी फूटी केक। तो ऑरेंज टूटी फूटी केक कैसा बनते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। तो ऑरेंज टूटी फूटी केक बनाने के लिए हमने ले लिए हैं ऑरेंज जूस, ये हमने दो ऑरेंज का जूस बना के ले लिए हैं। और हमें लगेगा ये सब पूरा सामग्री, ये टूटी फूटी लिए हैं, ये छोटे छोटे टुकड़े में बाजार में मिल जाता है ऐसा। और ये हमने 50 ग्राम बादाम लिया है, ये भी छोटे छोटे टुकड़े में काट के ले लिया है। और ये हमने 50 ग्राम किशमिश भी लिए है, ये भी देखिए 50 ग्राम ही किशमिश हमें लगेगा, इतना ही लिया है। और काजू भी हमने 50 ग्राम लिया है, ये भी हम छोटे छोटे टुकड़े में काट के ले लिया है। और टूटी फूटी तो ऐसा ही मिलता है बाजार में, ऐसा ही छोटे छोटे। और ये सब सामग्री हम ऑरेंज जूस में डाल देते हैं। तो पहले हमने किशमिश डाल दिए हैं, अब हम काजू का टुकड़े डाल देते हैं, अब टूटी फूटी का टुकड़े भी हम डाल दिए हैं, अब बादाम का टुकड़े ये भी डाल दिए हैं। ये डाल के अच्छे से मिला के एक घंटा हमें रखना है। तो एक घंटा रखोगे तो अच्छे से भीग जाएगा, तभी केक अच्छे से बनेगा। तो ऑरेंज टूटी फूटी केक बनाने के लिए पहले तो हमने टूटी फूटी और जो ड्राई फ्रूट वो तो हम ऑरेंज जूस के साथ भिगो के रख दिया है। तो इसके बाद हमें एक ये जो शुगर लिया है, हमने एक वाटी लिया है, इसका कैरमेल तैयार करना है हमें। तो ये हम डाल देते हैं कढ़ाई पे, ये हम डाल दिया है। और इसमें गैस को एकदम हाई फ्लेम में, थोड़ा सा हाई फ्लेम में रखना है और इसी तरह चलाते जाने का। तो ऐसा चलाते चलाते आपको ब्राउन कलर का जो होने आएगा, हम बना रहे देखिए, देखिए लगातार ऐसा चलाते जाने का, इसी तरह ऐसा धीरे 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 ब्राउन कलर होएगा। ये देखिए इसमें पहला पानी भी नहीं डालना है, खाली ऐसा ही शुगर को कढ़ाई में डाल के इसी तरह चलाते जाने का। इसी तरह चलाना है हमें, हमको हम बता रहे आपको बाद में और क्या क्या करना है इसमें। तो देखिए ये धीरे 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 एकदम डार्क ब्राउन हो रहा है, ये देखिए ऐसा इसी तरह बनेगा। हम बाद में इसके अंदर पानी भी डालना है हमें, ये देखिए ये देखिए एकदम पूरी तरह तैयार हो गया। अब आप गैस बंद कर दीजिए और थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिए। तो जब पानी डालोगे आप संभाल के डालना है, थोड़ा छीटा उड़ना उड़ता है, तो गैस बंद करके आप पानी डालिए और इसी तरह मिला दीजिए, ये देखिए। तो ये पूरी तरह ठंडा होने दीजिए, ठंडा होने के बाद हम मैदे में जब मिक्स करेंगे आपको बताएंगे तब कैसा करना है। तो ठंडा होने दीजिए। तो बटर बनाने से पहले हमने एक टोप रखी है गैस पे, देखिए, और टोप के नीचे हमने नमक रखा है, उसके ऊपर एक जाली रखा है स्टैंड जैसा, ऐसा बाजार में मिल जाता है ऐसा वाला स्टैंड, आप ले सकते हो। तो ये स्टैंड हमने लिया है और ये हम फ्री हीट पे रखते रहे 10 मिनट के लिए है। तो 10 मिनट के बाद फिर हम इसके अंदर केक का बटर रखेंगे। तो पहले बटर बना लेते हैं, ये फ्री हीट पे छोड़ देते। बटी दूध लिया है, ये हम डाल देते हैं टॉप पे,
और हमें लगेगा बटर। तो आप बटर के बदले में तेल भी यूज कर सकते हो। तो हमने इतना जो मिल्क डाला, जितना मिल्क डाला उसका आधा वाटी आप तेल यूज कर सकते हो। तो हम बटर डाल रहे हैं, देखिए। तो हम बटर लगभग 3 चम्मच डाल दिए हैं। ये डाल के दोनों को अच्छी तरह मिलाना है। तो ये हमने एक बाटी मैदा डाल दिए हैं, और भी हमने एक बाटी लिया है, और हम आधा बाटी ले रहे हैं, इतना ही लिया है बस। ये डाल के छानना है, मैदा को छान के लेना है। तो ये हमने मिल्क पाउडर लिया है, देखिए। ये भी हम, ये आधा बाटी हमने डाल दिया है, ये भी छान के लेते हैं। तो हमने दूध के साथ मिक्स कर लिया है, और ये जो हमने शुगर का कैरमल तैयार करके रखा था ये भी हम डाल देते हैं इसके साथ में। थोड़े ही डालते, पहले ये डाल के इसके साथ में मिक्स करना है इसी तरह। समझो आपको टाइट लगेगा, आप थोड़ा सा मिल्क भी डाल सकते हो। हम पहले ऐसा बना के देखते हैं, जरूरत पड़ेगा तो हम और थोड़ा सा कैरेमल का वो डालेंगे, जरूरत पड़े तो दूध भी डालेंगे, लेकिन पहले ये बना के देखते हैं कितना लगेगा। तो ये वेनिला एसेंस, ये हम देखिए, ये हमने आधा टेबलस्पून डाल दिया है, ये भी डाल के मिलाना है। तो देखिए ये हमने मिलाया है। अब हम डाल देते हैं ये जो टूटी फूटी हमने भिगो के रखे थे, ये देखिए, ये हम डाल देते हैं पूरे। ये डाल के इसके साथ में और मिलाना है अच्छे से। तो हमने ये टूटी फूटी ड्राई फ्रूट जितना सब हम मिला के रखे थे भिगो के, ऑरेंज जूस, ये सब पूरा डाल के साथ में हमने मिक्स कर रहे हैं। ये देखिए इसी तरह होएगा, ये बराबर है एकदम, ना जाड़ा है ना पतला है। तो और भी थोड़ा सा हमें मिलाना है, और लास्ट में हम डालेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। लेकिन ये पहले अच्छे से मिला लेते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर एकदम लास्ट में डाला जाता है, वो डाल के मिला के तुरंत ही हमें केक का मोल्ड में डाल के फिर हमें प्री हीट पे छोड़ना पड़ता है। इसी तरह मिक्स करना रहता है एकदम अच्छे से, ऐसा एकदम परफेक्ट है। अब हम डालते हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। तो ये हमने 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल दिया है, और ये हम आधा चम्मच बेकिंग सोडा डाला है। तो ये डाल के इसको छान के लेना है। तो ये हमने डाल दिया बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, और हम इसके ऊपर 1 चम्मच पानी डाल देते हैं ये सोडा को फूकने के लिए। ये डाल के ये मिलाना अच्छे से। ये हमने पूरे मिला लिया है सब कुछ इसमें। अभी हमने ये टॉप के अंदर डाल रहे हैं, ये देखिए, इसके अंदर हमने ये टॉप के अंदर हमने बटर पेपर रखा है, और उसके ऊपर हमने बटर भी लगा दिया है पेपर के ऊपर, और ये साइड साइड में ये भी हमने बटर लगा दिया है। अब हम डाल रहे हैं ये बटर, देखिए
ये टूटी फूटी है, हमने थोड़ा रखा था बचा के, ये हम ऊपर से ऐसा सजावट के लिए डाल रहे हैं। तो लेकिन ये सजावट पूरा लास्ट नहीं है, इसके बाद भी आपको हम बताएंगे। ये पहले हम थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं, थोड़ा और भी बचा के रखेंगे, बाद में हमें लगेगा तो हम आपको बाद में बताऊँगे कैसा करना है। और थोड़ा थोड़ा काजू भी डाल देते हैं हम। और ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हम बताएंगे कैसा बेकिंग किया जाता है। तो ये हम डाल दिए हैं और थोड़ा सा हम ये इलायची पाउडर भी ऊपर से डाल देते हैं। ये बहुत ही अच्छा खुशबू आएगा, इसीलिए हम डाला जाता है, ये हम डाल रहे हैं। तो ये हम डाल दिया है, अब हम गैस की तरफ चलते हैं।